हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज ब्लॉग नहीं कुछ अलग दिखाने जा रहे हैं। और आज है 14 अगस्त। और दोस्तों आपको पता ही होगा कल है 15 अगस्त। और हमारे भारत सरकार के द्वारा अभी 2 दिन का जो आयोजन हर घर तिरंगा वो चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा सभी देशवासियों अपने घर पर सब लोग झंडा फहरा रहे हैं और सोशल मीडिया पर DP भी लगा रहे हैं। सभी तरफ झंडा ही झंडा चल रहा है, हर घर तिरंगा। तो मैंने भी सोचा दोस्तों मैं क्यों ना तिरंगा लहराया जाए। तो दोस्तों मैं भी मार्केट से लेके आया हूँ। सब लोग एक साथ बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब लोग, जिस लोगों ने अभी तक झंडा नहीं फहराया वो तिरंगा जरूर फहरा अपने अपने घर पर दोस्तों, जिससे भारत सरकार का आयोजन पूरा किया जाए। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my... हमारे देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में 75वीं अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं और ज़्यादातर हर जगह तिरंगा लहरा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, अपने घर घर पर ज़्यादातर सभी तरफ देखने को मिल रहा है। जिस लोगों ने अभी तक तिरंगा नहीं लगाया अपने घर पर, वो जरूर तिरंगा लगाएं। मेरा यही संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of... Bande! Bande! Hey, देखो हमारे साथी लोग रात को 12 बजे झंडा फहरा रहे हैं। फोटो क्लिक भी करवा रहे हैं और बंदे मातरम, बंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी फोटो क्लिक करवा रहा है झंडे के साथ। ये देखो कितना देश प्रेम की भावना है इनके अंदर, ऊपर उठाया उसको सबसे ऊंचा तिरंगा। सर जी आप कुछ बोलना चाहोगे आज? जय हिंद, जय भारत। यस सर। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी मेरे देशवासियों को और जो बॉर्डर में मेरे भाई फौजी भाई हैं उनको दिल से मेरा सल्यूट है। तो मेरे दर्शकों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और ज़्यादा न कहते हुए और जो बॉर्डर में मेरे सिपाही लोग हैं, जो फौजी लोग हैं, उनके लिए दिल से सल्यूट है। उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है जो 15 अगस्त हम मनाते हैं, जो हमारी देश की रात दिन सेवा करते रहते सेवा करते हैं, जो जिस तरीके से वो हमें सेवा करते हैं और हम इतने फ्रीडम से रहते हैं, तो उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे फ्रीडम में रहते हैं और वो अपने बॉर्डर में सेवारत हैं। उनके लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मेरी तरफ से भी। आपको पता होगा कि मैं सुबह भी मैंने झंडा फहराया था, और अभी हम रात को भी झंडा फहरा रहे हैं सभी लोग एक साथ मिलके। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, वंदे मातरम। तो अभी मैं टाइम दिखाता हूँ आपको कितना बज रहा है अभी रात के, 12:14 हो रहा है। और आज 15 अगस्त भी हो गई, कल हम सुबह दिन के फहराए तब 14 अगस्त था, और अभी 15 अगस्त भी लग गया आज। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अभी 12 बजे के बाद झंडा फहरा रहा है इतने सारे लोग मिलके। यहाँ पे अभी कुछ लोग हैं। सर मैं बहुत खुश हूँ आपसे,
और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यस सर। जी सर, और मैं अभी महाबलेश्वर से आ रहा हूँ। ओह वेरी गुड सर जी, आप तो 15 अगस्त मना के आ रहे हैं। अभी नहीं, अभी तो चालू होगा 12 बजे। फिर 12 बज गए ना, 14 मिनट हो गया। ओह 15 अगस्त लग गई सर अभी। ठीक है, अच्छी बात है। मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ, सोचा आप सबका दर्शन कर लूँ। बिल्कुल सर, इसलिए हम सभी लोग झंडा फहरा रहे थे एक साथ मिल के। मैंने आपको भी देखा, देखा हमारे पुराने मित्र। आप भी मेरे सामने आए और इस लाइफ में मेरे को मौका दिए, और मैं आपसे बहुत खुश हूँ। और अच्छा है, मैं भी कहूँगा जो भी हैं आपके दर्शक, वो महाबलेश्वर एक बार टूर करके आए। बारिश में कुछ वहाँ पे खास ही व्यवस्था है, काफी अच्छा व्यू पॉइंट है। मैं भी घूम के आया हूँ। वेरी गुड। वहाँ पे इस समय कहीं भी जाएंगे महाबलेश्वर को, महाराष्ट्र घास पे भी सरक जाएंगे हम। महाबलेश्वर को महाराष्ट्र का महास्वर्ग कहते हैं। जी जी जी, हाँ महाराष्ट्र का स्वर्ग है महाबलेश्वर। इसलिए